हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनु जिमनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीपीएड एमपीएड रिजल्ट अपडेट के बारे में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं और करते करते वो थक चुके हैं कि रिजल्ट कब आएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जो कि आपका जो रिजल्ट है इतना लेट हो गया है। कुछ टेक्निकल इशू हैं, तो मैं सबसे पहले सभी खिलाड़ियों को बताना चाहूँगा और आप इसको बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, आपका रिजल्ट कब आने वाला है और जिनका सिलेक्शन अदर यूनिवर्सिटी में हो गया है उनको क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जिन खिलाड़ियों का डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में सिलेक्शन हुआ है वो खिलाड़ी अपना एडमिशन ले रहे हैं। जैसे हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो है रिजल्ट आ गया है, अगर उनका एडमिशन हो गया है तो अपना एडमिशन ले लें, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ की हम बात करें, जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, हम कंपेयर करें अदर यूनिवर्सिटियों से, HNVU, GU, DU जो भी है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो कहीं ऐसा ना हो वहाँ से भी रह जाएँ आप, वहाँ से भी रह जाएँ, तो इसलिए आप सेकेंड ऑप्शन को लॉक कर दें। अब मैं बात करता हूँ रिजल्ट पर। रिजल्ट जो है आपका लेट और हो गया है, आप अपना रिजल्ट इस मंथ के लास्ट तक चेक करते रहेंगे, कभी भी आ सकता है अभी भी, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे हैं। मैक्सिमम खिलाड़ियों ने अपने एडमिशन को कैंसिल करा दिया है कि हम जाएंगे तो उधर ही, उधर नहीं लेना है, दूर पड़ रहा है, या घर वाले नहीं भेजा, जो भी बहुत सारे इशू हो सकते हैं। तो बट आपका जो रिजल्ट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वो इस मंथ के लास्ट तक आने की संभावना है। तो सभी खिलाड़ी अपना पोर्टल जो है चेक करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब थोड़ी सी राहत मिलेगी आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ इस चीज़ को अच्छी तरीके से। प्रॉब्लम होती है ग्रुप में मैसेज करना, कॉल करना, टीचर से पूछना, मेरे से पूछना, फ्रेंड सर्कल में पूछना, बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। क्योंकि जब किसी बच्चे ने किसी अदर यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं डाला है, वो डिपेंडेड है ओनली वन यूनिवर्सिटी पर, तो उसको डिफ़िकल्टी होती है, उसको टेंशन होती है, मतलब उसको प्रॉब्लम होती है। मैं समझता हूँ उस चीज़ को। तो बट मैं उन खिलाड़ियों से बोलना चाहूँगा, जिन खिलाड़ियों का अदर यूनिवर्सिटी में हो गया वो अपना एडमिशन ले लो, आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो कम से कम आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो रिजल्ट इस मंथ के लास्ट तक आने की संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। जय हिंद।